ओम शांति। जनवरी मास, वरदानी मास, अव्यक्ति मास, समर्थी मास कहेंगे, जो कि अव्यक्त बाबा का दिवस मनाने का मास। मास आते ही साकार की यादें आ जाती हैं और मस्तक में कहिए, मानसन पटलट पे कहिए, मानस पटल पे आकर के सारी स्मृतियाँ याद आती हैं। साकार के संग बिताए हुए दिन याद आ जाते हैं। वो दिन भी कितने प्यारे थे जब साकार बाबा हमारे साथ थे या हम बाबा के साथ थे। तो मुझे अच्छे से याद आता है कि जब मैं बाबा के पास आई तो बाबा ने मुझसे कहा, बच्ची तुमको कुछ नहीं करना है, तुम सिर्फ मेरे कमरे की सफाई करो और विश्व की बादशाही तेरी। तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा ज्ञान सस्ता है कि हम बाबा के रूम की सफाई करेंगे और विश्व की बादशाही बाबा हमको दे देंगे। लेकिन बाबा के साथ रहते रहते और ये बाबा के रूम में रहने के कारण मुझे बहुत कुछ सीख मिली। सबसे पहली सीख तो ये मिली और मुझे पहचान मिली कि माता पिता शिक्षक सतगुरु बाबा कैसे हैं प्रैक्टिकल में। यूँ तो हम गाते थे तुम्ही हो माता अश्य पिता, लेकिन परम धाम में बैठ करके उसकी अनुभूति तो यहाँ नहीं हो सकती है कि बाबा परम धाम में हो और हम अनुभव करें। ये अनुभूति साकार में जब आते हैं तो साकार के द्वारा ही अनुभव होता है। तो सब प्रथम बाबा ने माँ के रूप की पहचान दी। मेरी तबीयत खराब हो गई, चेचक निकल आई, तो बाबा मुझे गाय के दूध से स्नान कराते थे। तो माँ ही बच्चे का स्नान करा सकती है। कहते थे बच्चे ये शीतल दूध तुम्हें शीतल कर देगा। तो शीतला माँ कहें, बड़ी माँ कहें, तो माँ का रूप बाबा का मैंने देखा। एक दिन बाबा ने कहा, बच्ची तुमको बड़े तवे पे रोटी बनानी आती है? तो मैंने कहा, बाबा मैंने बनाया नहीं है। बाबा मुझे भंडारे में ले गए और ले जा करके बड़े तवे पे रोटी कैसे पकाई जाती है वो सिखाया। तो माँ ही अपनी बच्ची को सिखाती है। और मम्मा उस समय बॉम्बे में थी। जब मम्मा बॉम्बे से आई तो बाबा ने परिचय कराया। जब परिचय कराया तो बाबा खुद बोले कि देखो, माँ बच्चे का परिचय बाप से कराती है और यहाँ बाप बच्ची का परिचय माँ से करा रहा है। तो एक विशेष बात है कि बाबा के द्वारा अनुभव किया, बड़ी माँ छोटी माँ, तो माँ का अनुभव बाबा ने कराया। फिर पिता का अनुभव कराया। पिता का अनुभव कैसे किया कि एक बार मुझे गर्मी लग रही थी और पांडव भवन के पीछे बाबा के रूम के एक हॉल है जिसमें 8 खटिया होती थी, उसी में मेरी भी थी। जब मैं बाहर गर्मी लगी तो आ गई, मच्छर भी कुछ लग रहे थे। बाबा बोले, बच्ची यहाँ कैसे रात को तुम टहल रही हो? पहले तो डर लगा, बाबा क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे, लेकिन बाबा ने बहुत प्यार से कहा, बच्ची कोई तकलीफ है, क्यों बाहर घूम रही हो? तो मैंने बहुत धीरे से कहा, बाबा मुझे गर्मी लग रही है, मुझे मच्छर लग रहे हैं। बाबा बोले, बच्ची सवेरे इंतजाम हो जाएगा। उस समय हिस्ट्री हॉल की नींव पड़ चुकी थी, दीवारें उठ रही थी और खिड़की दरवाजे कारपेंटर बना रहे थे। सवेरा हुआ, क्लास हुई, मुरली पूरी हुई। बाबा ने कारपेंटर को बुलाया, कहा, देखो आज एक खाट तैयार करनी है और टेंट तैयार करना है और वो लग जाना चाहिए। तो बाबा ने अपने रूम के पीछे सामने ही गेट के सामने लगवाया, जहाँ शशि बहन का ऑफिस है। बोले कि मैं इधर से निकलूं और तुम डरना नहीं, मैं रात को भी तुम्हें उठ के देख लूँगा।
तो एक पिता ही एक दिन के अंदर अपनी बच्ची के लिए ऐसा पलंग तैयार करा दे, टेंट लगा दे हवा में सोने के लिए, वो तो शायद राजकुमारी को ही ऐसा प्रबंध मिल सकता है। लौकिक में तो मैं नहीं समझती हूँ कि करेगा। तो वो पिता का रूप, पालना का रूप मैंने देखा कि कैसे बाबा ने एक दिन के अंदर तैयार किया और शाम को सोने के लिए मिल गया। फिर बाबा का शिक्षक का रूप मुझे मिला। तो एक दिन बाबा ने कहा कि बच्ची ये कुत्ता भगाओ। क्लास के बाद बाबा मेरे साथ चलते थे नीचे तक घूमने और लेक के ढाल तक जाके फिर वापस आते थे हाथ पकड़ के। बाबा ने कहा बाहर का आया इसको भगा दो, पत्थर मारो। मैंने कहा बाबा पांडवों ने कुत्ता पाला और आप कह रहे हैं भगा दो तो पाल लेने यहाँ पर। बाबा ने कहा बच्ची कौन सा कुत्ता पाला तुमको मालूम है? मैंने कहा नहीं बाबा। तो कहा देखो कुत्ते की जो विशेषता होती है कि वो ईमानदार बहुत होता है, मालिक का वफादार होता है, लेकिन उसकी जो पूंछ है वो टेढ़ी रहती है। 6 मास भी नली में डालो तो भी टेढ़ी निकलेगी। तो मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो निश्चय बुद्धि हैं, समर्पित बुद्धि हैं और ईमानदार हैं, वफादार हैं, अथक सेवाधारी हैं, परंतु आज्ञाकारी हैं। पर क्या है कि कुछ ऐसे टेढ़े संस्कार हैं जो परिवर्तन होने में देरी करते हैं। तो वह ऐसे ही कहेंगे कि वो कुत्ते के पूंछ के जैसे समान संस्कार हैं। तो इनको बाबा ने पाला जो गॉड के बच्चे डॉग बन गए हैं, वही तो गॉड गॉडेस के बच्चे। तो ये बाबा ने पाला था और भगवान ने कोई पांडवों ने दूसरा कुत्ता नहीं पाला था। तो ये समझ में आया कि टेढ़े संस्कारों को शुद्ध कैसे बनाएं। उसी दिन से चेक करना शुरू किया कि मेरे कौन से टेढ़े संस्कार हैं। फिर एक दिन क्लास में बाबा बोले मेरे बच्चों को देह अभिमान तो बहुत है, अगर देह अभिमान नहीं है तो जा करके पत्थर तोड़ें। मकान बन रहा था, रोड़ी टोड़ी जा रही थी गिट्टी, तो मैं समझूंगा कि देह अभिमान नहीं है। क्लास पूरा हुआ मैं चली गई और हैमर लेके पत्थर तोड़ने लगी। इतने में बाबा पहुँचे, पीछे से बाबा ने देखा और मुझे भी लगा कोई पीछे खड़ा है। बाबा बोले बच्ची क्या कर रही हो, उठो, यहाँ कैसे आ गई तुम? मैंने बोला बाबा आपने तो कहा था कि पत्थर तोड़ेंगे तो देह अभिमान टूट जाएगा। बाबा ने बोली ये बच्चे पत्थर तोड़ने से नहीं टूटेगा, अगर पत्थर तोड़ के देह अभिमान टूट जाए तो जितने ये भील लोग हैं इनका तो पहले टूट जाएगा। तो नहीं, पहले सौमान में टिकी, मैं किसकी संतान हूँ, अपने पोजीशन में आई। जब तक तुम अपने पोजीशन में नहीं आएंगी और सौमान में नहीं टिकेंगी, मैं किसकी संतान हूँ, तब तक देह अभिमान नहीं टूटेगा। तो कौन सा पत्थर तोड़ना है, इसके तोड़ने से नहीं होगा। इसी तरह से कुछ समय बीता, बाबा के रूम की मैं सफाई कर रही थी और सफाई करते एक बाबा पत्र लिख रहे थे। मक्खी थी छोटी जो बाबा को बार बार तंग कर रही थी। बाबा बोले बच्ची इस मक्खी को मार दो। तो मैंने उसको मारा और मार करके ऐसे सुपड़ी में लेके मैं बाहर फेंकने चली। बाबा बोले बच्ची इसको वापस लाओ, फेंको नहीं, ये बड़े काम की चीज़ है, ये मक्खी बड़ी सर्विसेबल है। तो मैंने कहा बाबा ये मक्खी क्या सेवा करेगी? बाबा ने कहा नहीं ये बहुत काम की है। तो बाबा एक पत्र लिख रहे थे किसी बहन को, उसमें एक लाइन बाबा ने बढ़ा दिया नोट करके कि बच्ची तेरी सेवा वृद्धि को नहीं पाती, क्या तू बैठे बैठे दिन भर मक्खी मारती है? और उसी लिफाफे में बाबा ने पोस्ट कर दिया, उससे 2 का भला हुआ।
सबसे पहले मेरा हुआ, मुझे ये शिक्षा मिली कि कभी भी मुझे सुस्त नहीं बनना है, आलसी नहीं बनना है, सदा सर्विस में तत्पर रहना है, एक्टिव बनना है। तो बाबा ने जैसे मेरे को ये शिक्षा दी, क्यों बाबा रोज़ बोलते थे बच्ची सदा थोड़ी मधुबन में रहना है, एक दिन सेवा केंद्र पे जाना है। तो वो जिस बहन को भेजा उसके अंदर भी उमंग आ गया कि आज बाबा ने मुझे मरी मक्खी भेजी है, तो उसकी सेवा भी बढ़ गई। इसलिए बाबा बहुत रमजबाज है, कैसे शिक्षा देता है। तो बाबा ने इस तरह से शिक्षा दी और एक दिन सतगुरु का अनुभव किया। अमृतसर से कुछ रंगीन साड़ियों का गांठ आई हुई थी, मैं थी, संतरी दादी, लच्छू दादी। लच्छू दादी खोल के दिखा रहे थे एक एक साड़ी बाबा को, और रूम में मैं भी थी। तो बाबा बोले बच्ची तुम ये साड़ी ले लो। एक एक साड़ी लच्छू दादी दिखाती और बाबा मेरे को ऑफर करते। मैं बोलती थी नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए, नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे करते करते जो है लास्ट एक साड़ी उठाई बाबा ने, और वो थी क्रीम कलर सिल्क की साड़ी, गोल्डन उसका बॉर्डर था, पट्टा बहुत सुंदर था। तो बाबा ऐसे पूछते थे बच्ची ये ले लो, लेकिन वो साड़ी जो लिया तो ऐसे दोनों हाथ से जैसे किसको किसी को गिफ्ट दी जाती है, और बहुत प्यार से कहा बच्ची तुम ये ले लो, ये सतगुरु का पखर है, मना वस्त्र है, और तुम इसको लेंगी तो जीवन में तुमको कभी वस्त्र की कमी नहीं आएगी। मैंने बोला नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए। फिर दोबारा बाबा ने बोला बच्ची तुम्हें कभी जीवन में कमी नहीं आएगी। संतरी दादी ने मुझे थोड़ा आँख दिखाया, कहा बाबा का इस समय रूप क्या है तुम पहचानती हो, बाबा के बोल को तुम कैच कर पा रही हो। बाबा कह रहा सतगुरु का पखर है, इस समय बाबा जो दे रहा है सतगुरु के रूप में वरदान दे रहा है। तब मुझे पता लगा कि हाँ बाबा का यह सतगुरु का रूप है, और वो मैंने लिया। और लेने के बाद फिर बाबा पूछते बच्ची कहाँ पहनोगी, मैंने बोला बाबा हम इसको कहाँ पहनेंगे। कहा देखो यहाँ तो विजिटर आते हैं, पार्टियाँ आती हैं, भाई बहन आते हैं, तो यहाँ तो पहन नहीं सकती हो, और जब तुम सेंटर पर जाएंगी तो वहाँ भी स्टूडेंट होंगे, वहाँ भी नहीं पहन सकती हो। मैंने कहा बाबा कब पहने, तो बाबा बोले बच्ची एक काम करो, सवेरे चली जाना और सिगड़ी जो चूल्हा है लक्कड़ जहाँ जलते थे खाना बनता था, उस चूल्हे को मिट्टी से पोतना है। तो एक मटके में मिट्टी होती थी, कपड़ा होता था, और जो मट्टी घोली हुई होती थी उसी से डिबो डिबो के चूल्हा पोत के कालापन हटाना होता था, और वो चूल्हा भी इतना ऊंचा मेरे गले जितना। तो साड़ी पहन के मैं जाती थी, चूल्हा पोतती थी और बहुत अटेंशन से पोतती थी, इतनी अच्छी साड़ी खराब ना हो, खराब ना हो और चूल्हा भी पुत जाए। तो इसी तरह से हमारे को कपड़े बचाने की भी एक प्रैक्टिस हो गई कि मेरा कपड़ा कभी गंदा ना हो और सब काम भी हो जाए। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज तक मेरे कपड़े किसी भी स्थूल काम करने में ख़राब नहीं हुए। तो पिता का रूप, शिक्षक का रूप, सतगुरु का रूप, फिर सखा का रूप। बाबा के रूम में मैं झाड़ू लगा रही थी तो बाबा कैसे सखा बन करके खेल पाल करते, तो मैं झुक के लगा रही थी, बाबा ने मेरी चोटी पकड़ी और खींचना शुरू किया, घोड़ी चल घोड़ी चल। तो जैसे लगा बाबा मेरे साथ बहुत अच्छा खेल पाल कर रहे हैं। तो मैंने सारे रिश्ते का अनुभव किया। उसके बाद में ये मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है वो बाबा ने एहसास कराया। एक दिन बाबा बोले बच्ची तुमको 4 मास रहते हुआ तुमने दिलवाड़ा मंदिर, अचलगढ़ कुछ देखा? मैंने कहा नहीं बाबा मैंने तो नहीं देखा है। कहा तुम्हारी इच्छा नहीं होती? मैंने कहा आप जब बोलेंगे तभी तो जाएंगे, आपने भी नहीं कहा बाबा।
बड़ी सहजता से मैंने कह दिया। तो उसी टाइम पर बाबा ने मुझे एक भाई के साथ भेजा और बोले इसको जाओ जा करके पूरा सब दिखा के आओ। तब कोई साधन सुविधा नहीं होता था, पैदल जाते थे दिलवाड़ा मंदिर। तो एक दिन दिलवाड़ा मंदिर देखने गए, लौट करके आए तो रास्ते से पहाड़ियों से चेरी तोड़ कर लाए थे, पत्तल बना के दो नाम। बाबा को पता था कि ये जो जाता वो ले आता है, और हम लोगों ने आपस में मिल करके सबने खा लिया। शाम को बाबा ने पूछा, बच्ची तुम देख के आई, क्या देख के आई? तो एक बाबा ने मर्यादा सिखाया, परिवार की मर्यादा क्या होती है। मैंने बताया तो बाबा ने कहा, बच्ची देखो पहली बात तो जिसने तुमको भेजा देखने के लिए, वापस आ करके उसको सारा समाचार सुनाना है और क्या क्या देख के आई। दूसरा, जो तुम चेरी लाई वो कहाँ है? मैंने कहा बाबा बांट खा लिया। बाबा ने कहा नहीं, परिवार में जो बड़ा होता है उसको दिखाना होता है क्या ले आई। बाप दादा तो बच्चों को बादशाही देता है और सारी बादशाही बता देता है, सब स्पष्ट कर देता है मेरी राजाई में क्या क्या है, क्या मैं दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे चेरी तक भी नहीं दिखाए, ये मर्यादा नहीं है। तो बाबा ने एक मर्यादा भी सिखाया और एक हमारा परिवार है और बड़ों को दिखाना है, वो हमारे को सीख मिली और आज तक भी वो सीख मेरे जीवन को साथ दे रही है। मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी भी सेवा केंद्र पे जाती हूँ या कहीं शॉपिंग किया होगा, उस सेवा केंद्र की बहन को सारा ला के दिखाया होगा कि देखिए ये हमको गिफ्ट में मिला और ये हमने खरीदारी की है। तो बाबा की सीख ये मिली मुझे। इसी प्रकार से बाबा ने जो चारपाई बनवाई थी बाहर सोने की, टेंट के अंदर हम दो चार और बहनें थी, कुमारियाँ आई हुई थी। विश्वरतन दादा कराची का अनुभव सुना रहे थे, तो वो अनुभव सुनाते सुनाते बाबा निकल आए रात को 10 बजे के बाद। बाबा ने देखा नेवाड़ का पलंग है, नेवाड़ पट्टा ढीला है, तो बाबा बोले बच्ची इसको कस लो, पलंग ढीला हो गया है। मेरे मुख से निकला बाबा कल इसको कस लेंगे। बाबा बोले बच्ची कल का दिन काल का दिन है, कोई काल के लिए नहीं छोड़ना है, अब भी करना है, जो करना अभी करना। तो बाबा ने सबको उतार दिया और स्वयं खाट का नेवाड़ पकड़ के खींच के टाइट करने लगे। फिर मैंने उसको टाइट किया साथ में लग करके। वो दिन से आज का दिन मेरी धारणा बन गई पक्की, कभी भी आज का काम कल के लिए नहीं छोड़ा है, जो करना है आज ही फिनिश करना है। तो ऐसे बाबा की ये बातें हमारे दिमाग में अच्छी तरह बैठ गई। एक बार पेड़ा आया हुआ था कहीं से, क्लास में गिना चुना था, भाई बहन थे, हिस्ट्री हॉल में तब क्लास भी शुरू हो गई। तो बाबा ने एक बहनों की तरफ से बुलाया, एक भाइयों की तरफ से। वैसे तो बाबा खुद पेड़ा बांटते थे, खुद ही क्लास के बाद टोली देते थे सबको। बाबा ने कहा कोई सभा से आए बहन, बहनों को बांटे, और भाई आए भाइयों को बांटे। तो भाई जब आया तो बाबा को भाइयों की कमजोरी भी मालूम है और माताओं बहनों की भी मालूम है। भाई जब आया उसने पॉट को हाथ लगाना चाहा, तो पहले बाबा ने कहा ठहरो बच्चे ठहरो, ये बताओ 6 महीने से गुस्सा तो नहीं किया है? अगर गुस्सा किया है तो नहीं बांटना। वो भाई तो वहीं रुक गया क्योंकि जोश आवेश आना तो साधारण बात है। और उस बहन से पूछा कि 6 महीने तक रोया तो नहीं है? अगर रोया है तो टोली नहीं बांटना। दोनों रुक गए। फिर बाबा ने उसको उठाया और उठा करके सारी क्लास को ऐसे से देने लगे। मैं छोटी थी तो दौड़ दौड़ के उठ उठ के मैंने, तब पट में क्लास होती थी, 5 पेड़े कैच कर लिए, सबको मिल गया। बाबा ने मुझे बुलाया, कहा बच्ची कितने पेड़े उठाए? मैंने कहा बाबा 5,
हम तो बहुत खुशी में बोले 5। बाबा बोले बच्ची ठीक है, कैचिंग पावर तुम्हारी है, तुमने कैच किया, लेकिन ये सोचा कि ये मेरा परिवार है, भाई बहनों के गिनती का पेड़ा है और हर एक को एक एक मिलना है। अगर तुम 5 लेंगी तो 4 भाई बहन को तो मिलेगा ही नहीं, इसलिए कायदा कहता है कि ये 4 पेड़े तुम्हें लाके स्पॉट में रखना चाहिए। किसी परिवार में बहन भाइयों का हक नहीं लेना है। तो उस समय से लगा ये हमारा बेहद का दैवी परिवार है, ईश्वरी परिवार है, हर चीज़ का, हर बात का, हर एक को हक बराबर मिलना चाहिए। तो उस तरह से हमारे जीवन में एक परिवर्तन आया कि सबका हक बराबर है, केवल एक व्यक्ति का नहीं है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों में बाबा ने बहुत कुछ सिखाया। तो इसी प्रकार से हम चलते रहे, बाबा के साथ अनुभव करते रहे, साथ साथ बहुत सारी बातें जीवन में आई जो बाबा के साथ का अनुभव किया। एक बार ऐसे ही बाबा ने कहा बच्ची चलो रूम पर धूम दीप करके आते हैं। तो जो आई पार्टियां होती थी जो है अपने शांति स्तंभ के सामने ट्रेनिंग सेंटर बन गया था, नीचे नीचे का बना था, ऊपर का नहीं बना था, कुछ पार्टियां उसमें ठहरी हुई थी। तो बाबा क्या करते थे, पैन में कोयले की आग ले करके और चंदन का बुरादा और सब चीज़ें धूप लेके हवन करने का सामग्री ले करके जाते थे और इतने अपने हाथ से ले जाते थे और ले जा करके मेरे साथ साथ मैं पकड़ लेती थी। जो भाई बहन सो रहे होते थे सबके रूम में वो शुद्धिकरण करके आते थे बाबा। तो जो सोया हुआ होता था उस समय खटिया नहीं होती थी, दीवार की तरफ सिर होता था, सिर के पास सबकी पेटी अटैची होती थी, सबके दो तरफ से दीवार और दोनों तरफ से सबके पैर एक तरफ होते थे, दीवार की तरफ सिर होते थे। तो बाबा उसमें कहते थे देखो बच्ची इसमें जो नींद कर रही हैं वो 3 प्रकार की हैं, एक सत्तोगुणी नींद वाला है, एक रजोगुणी नींद वाला है, एक तमोगुणी नींद वाला है। मैंने बोला बाबा वो कैसे पता चले सत्तोगुणी रजोगुणी नींद वाला? बाबा बोले जो इतने प्यार से योग युक्त सो रहा है, जैसे भोलापन चेहरे पर है, आकर्षण है, पवित्रता नजर आ रही है, वो आकर्षण वाला चेहरा, भोला चेहरा और बहुत साइलेंस में है, तो वो लगता है ये सत्तोगुणी नींद है। और जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सोया हुआ है वो रजोगुणी नींद है। और जो बिल्कुल ही मछली की तरह उल्टा पुल्टा, कहीं पैर है कहीं सिर है, तकिया से भी अलग हो गया है, पैर बिल्कुल टेढ़े मेढ़े हैं, तो बाबा कहते बच्ची ये तमोगुणी नींद में सो रहा है। तो इसी प्रकार सतोगुणी नींद क्या होती, रजोगुणी क्या होती, तमोगुणी क्या होती। फिर बाबा बताते थे देखो इनसे पैर जो है किसके कितने गंदे हैं, पैरों के गंदगी से संस्कार का पता चलता है। अगर पैर गंदे हैं तो इसका मतलब अभी संस्कार भी इतने शुद्ध नहीं हुए, क्योंकि पैर से दिमाग का कनेक्शन है, पैर की शुद्धता से बुद्धि का कनेक्शन है। बाबा ने कहा चरण की कितनी महिमा है, देवताओं के चरण को कमल शब्द देते हैं, कमल चरण, और संतों के लिए कहेंगे मेरे घर में आप चरण घुमा के जाइए, मेरे घर को शुद्ध करिए, गुरुओं के चरण को धो करके पीते हैं। तो चरण की तो सारी महिमा है और देवता बनने वाले बच्चों का चरण इतना गंदा, तब से ये मुझे लगा कि नहीं चरणों की भी इतनी सफाई रखनी है, जिसके चरण साफ होंगे उसके संस्कार शुद्ध होते जाएंगे, उसके अंदर सफाई के संस्कार आ जाएंगे। इस तरह से बाबा ने ये भी सिखाया। एक दिन बाबा ने क्लास में बोला, पार्टियों से पूछा कि देसी घी का भोजन कौन करते हैं, तो लोगों ने सोचा बाबा शायद देसी घी का भोजन कराएंगे। तो जो करते थे अपने घर में उन्होंने हाथ खड़ा किया, क्योंकि उस समय लोग डालडा नहीं पसंद करते थे,
बाबा ने सुन तो लिया, लेकिन दूसरे दिन बाबा ने फिर मुरली चलाई कि मेरे बच्चों ने हाथ तो खड़ा कर दिया, देसी घी खाते हैं, देसी घी का खाएंगे। तो पूरा हो गया क्या? ओम शांति। तो इसी तरह से बाबा हर पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरह लेते थे, समझाते थे। एक बार एक बाबा लाफुल और लॉफुल भी थे। एक बार क्या हुआ कि महेश भाई जो अभी पांडव भवन में है, कानपुर का था, छोटा था, सो नौकरी करता था, उसने अपने पैसे को बचा बचा करके बाबा के पास लेके गया और वहाँ पर 5 रुपये की गड्डी नई रिजर्व बैंक की, 500 रुपया, और बाबा की कुटिया में उसने दिया। बाबा ने बहुत प्यार से अपने हाथ में लेके कहा, गंगे बेटी ये, बहुत प्यार से एक मना नीचे ऊपर देखा, ये 500 रुपया गड्डी लाया है। तो इतना उसने, बाबा ने उसको इतना महत्व दिया। यज्ञ के इतिहास में बाबा ने कभी हाथ में पैसा नहीं उठाया, लेकिन बाबा कैसे जो है मर्यादा सिखाता है, ला सिखाता है, प्यार भी बहुत किया। 1 महीने के बाद वही महेश फिर दोबारा मधुबन गया, बिना दादी के चिट्ठी के गया, गंगे दादी के। बाबा ने उसको पूछा, चिट्ठी लाया है दीदी का पूछो? उसने कहा, नहीं, गंगे दादी ने चिट्ठी नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि 1 मास पहले मैं उनके साथ आया था तो अभी मना कर दिया। बाबा ने कहा, इसको वापस करो तुरंत, बाबा इससे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कायदे मुजब नहीं आया है, गंगे की चिट्ठी लेके नहीं आया है। तो होता क्या था कि बाबा भी 1 महीना पहले तो इतना उसको महत्व दिया, प्यार किया, लव किया, लेकिन इतना बाबा नियम पर पक्का, कानून का पक्का कि बिना कायदे आया है इसलिए वापस करो, और वापस किया। पर उसका भी निश्चय बहुत पक्का था कि तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह बाबा हर बात नियम से सिखाता। गंगे दादी ने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा तिलक नगर में अरोड़ा भाई है, और वो अरोड़ा भाई क्लास के बाद भाई बहनों को बिगाड़ता है, संशय बुद्धि पहना देता है, क्योंकि अरोड़ा भाई श्री कृष्ण का परम भक्त था। जब मुरली में आता था कि श्री कृष्ण के 84 जन्म हैं, श्री कृष्ण देवता है, उसको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक बार ये भी बोलता था कि गंगे मुझे तो ले चलो, जिसने आपको ऐसा बनाया मुझे ले चलो बाबा के पास। तो कहती थी, बाबा ये निश्चय बुद्धि भी नहीं है और आना भी बहुत चाहता है। बाबा बोले, ले आओ बच्चे को। जब ले गए तो 24 घंटे बाबा की चेकिंग करता था कि बाबा मुरली कैसे चलाते हैं। मैं देखता हूँ, जरूर कहीं से कुछ पढ़ते होंगे बाबा। लेकिन उसको रात दिन उसने चेकिंग किया, बारी बारी हर घंटे, 24 घंटे में उसको दिखा ही नहीं कि बाबा कुछ पढ़ते भी हैं। जब थक गया तो गुरुवार के दिन सुबह अमृत वेले उसको साक्षात्कार हुआ कि ऊपर से परम धाम से ज्योति बिंदु, एक बिंदी चमकती हुई ज्योति आती है और बाबा के अंदर प्रवेश करके वो सुनाती है। फिर कहने लगा, गंगे दादी से मैं समझ गया। तो कहा, क्या समझ गया? कहा, नहीं, मुझे अब निश्चय हो गया, हम कानपुर चलेंगे, वापस जाएंगे। बाबा से छुट्टी लेने लगा तो बाबा भी जानी जाननहार, बाबा कहते, मैं राजू रमजबाज हूँ। बाबा ने अखरोट तोड़े और अखरोट को तोड़ करके उसकी गिरी निकाल के उसमें अनाज भरे, जितना किचन में लगता है भंडारे में, चीनी, चाय, चावल, दाल, जो भी है, और उसको गोंद से चिपका दिया। चलते समय अखरोट का उसे गिफ्ट दिया, बना के डब्बा टोली के बजाय। जब वो कानपुर ले करके आया तो उसको अखरोट का कोई महत्व तो नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी था, पोजीशन वाला। लेकिन एक दिन उसने उसको तोड़ा, जब तोड़ा तो उसी उत्सुकता बढ़ गई, किसी में दाल, किस में चावल, किस में चीनी, किस में चाय, किस में चना। तोड़ता गया, देखता गया, तोड़ता गया, देखता गया, आया लेके, आता मिंद्रा, आता मिंद्रा, ये क्या है? दादी ने कहा, ये तो आप समझो ना, क्या है, क्यों बाबा ने दिया, मुझे नहीं बताया है।
उसके बाद समझ गया, मैं समझ गया। फिर जो जो बाबा ने उसको अखरोट में भर के दिया था, चूँकि यज्ञ में उस समय थोड़ा बेगरी पार्ट चल रहा था, उसने 100-100 किलो के जूट के बोरे भर भर के सारा सामान ट्रक में भेजा यज्ञ में। तो बाबा कैसे सेवा करना कराना सिखाया कि मांगना भी नहीं, कहना भी नहीं, और यज्ञ की भंडारे की सेवा भी हो गई। बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे कभी किसी को ही हो तो ऐसे नहीं है कि मांगना है, नहीं, मांगने से तो मरना भला है। तो ये भी बाबा ने करके दिखाया और सिखाया। और इसी तरह से बाबा हर प्रकार से सबको माफ़ करने वाला। एक दिन पेपर में पढ़ा था, विश्वामित्र पेपर था कलकत्ते का, जगदीश भाई ने आकर के बोले, बाबा देखो उसने बहुत ख़राब डाला, इंस्टीट्यूशन के विपरीत डाला है, इसके ऊपर बाबा केस करना चाहिए, नहीं तो ये तो लोग समझेंगे कि आप लोग ऐसे हैं, तभी तो कुछ कर नहीं रहे, चुप हैं। बाबा बोले जगदीश भाई को, नहीं, बाप बच्चों के ऊपर कभी केस नहीं कर सकता, सारे विश्व का बाप है ना, तो केस कैसे करेगा, सब मेरे बच्चे हैं। उसको प्यार से पत्र लिखो कि आपके पेपर का नाम है विश्वमित्र, आप सबके हैं मित्र और हमारे हैं परम मित्र, क्योंकि आपने बिना पैसे हमारी एडवर्टाइजमेंट की है। और उसकी रिजल्ट ये हुई कि सारे जो आते थे उस पेपर को पढ़ करके देखने की क्या है इंस्टीट्यूशन, वो बाबा के बच्चे बन जाते थे। तीसरा, बाबा ने कभी किसी के ऊपर केस करना नहीं, सब मेरा बच्चा है, सारा विश्व का पिता हूँ, ये बाबा को नसा। और बाबा क्षमा का सागर है, बाबा कैसे गलती को भी सुधार के अच्छा बनाने वाला। एक बार मधुबन में गौशाला में गैया पन रही थी, ग्वाले ने कहा हम 100 रुपया लेंगे, क्योंकि एक गाय और आ गई। विश्वकिशोर दादा ने समझाया तो कहा कि कैसे अब इतना देंगे, कहा नहीं, फिर वो छोड़ के चला गया काम। बाबा ने कहा शिव बालक भाई को, शिव कुमार जो पांडव भवन दिल्ली में है, वो 12 साल की आयु थी, बच्चों तुमने तो देख लिया ना गायों की पालना करते, जी बाबा, तो कहा तुम इनको दो। फिर उसने जो भी गायों को चारा देना चाहिए दिया। उसके बाद बाबा बुलाए, बच्चों तुम दूध निकाल लोगे, अभी उसके छोटे हाथ थे, छोटी आयु थी, तो एक बाल्टी दूध निकाला, बाकी 4 बाल्टी नहीं निकाल पाया और दूध। फिर लाके आया तो बाबा ने उसको इतना उमंग भर दिया, मम्मा मम्मा देखो 1 बाल्टी दूध बच्चा लाया है, 1 बाल्टी लाया है। दूसरे दिन जब वो दूध निकालने गया तो उसी उमंग से 2 बाल्टी निकाला, और जब दोनों बाल्टी लेके चला, गौशाला पीछे की तरफ था, किचन के पीछे, रास्ता बहुत ऐसा ऊंचा नीची पथरीला था, उसको ठोकर लगी और वो गिर गया दोनों बाल्टी दूध लेके, एक बूंद भी दूध नहीं बचा, बाबा के लिए भी नहीं बचा दूध। तो बहुत उदास मन से बाबा के पास आया। बाबा ने कहा, अरे बच्चे कौन सी बड़ी बात है, तुमसे तो 2 बाल्टी दूध गिरा, यहाँ तो बड़े बड़े जहाज गिर जाते हैं, तुम क्यों चिंता करता है। मम्मा मम्मा देखो दूध की नदियाँ बह रही हैं संगम युग में। मना इतना बाबा ने गलती की, नुकसान किया नहीं, और उमंग भर दिया। फिर उसे एक दिन कांच का गिलास टूट गया, बाबा ने बुलाया, कहा बच्चों इधर आओ, कैसे तोड़ा। बोला बाबा मैं अब भी बताता हूँ कैसे तोड़ा। दूसरा उठा के लाया, बाबा के आगे गिरा दिया, और वो दूसरा गिलास टूट गया। कहा बाबा ऐसे वो गिर के टूटा था। तो बाबा ने देखो कितना कमाल है बाबा का, कि रहम का सागर है और हर बात को प्रैक्टिकल में लेने वाला, पॉजिटिव लेने वाला। बाबा कहता देखो देखो ये बच्चा जो है ना मामा, ये प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला बच्चा है, ये थ्योरी वाला नहीं है। तो इसी तरह से बाबा कैसे बच्चों को माफ़ करते, कैसे हिम्मत देते, सब कुछ करते। और बाबा को नशा रहता था कि मैं जाके मिचनू बनूंगा, मिचनू बनूंगा। तो जो अपना एक कुआं खुद रहा था,
बाबा ने जेपी भाई को कहा, जमुना प्रसाद को, कि एक कुआं खोदो, पानी की कमी है। जब कुआं खोदा गया और ये पता चला कि अब उसके अंदर पानी निकल आया है, तो खुशी की लहर आ गई, पानी आ गया कुएं में। बाबा उतर करके कुएं में नीचे देखने गए। जब लेबर लोग कुआं बनता तो जैसे जैसे बनता जाता एक सरिया की सीढ़ी फोल्ड करके उसमें लगाते गए सरिया, उसी सरिया को पकड़ के चढ़ते थे उतरते थे। तो बाबा भी नीचे उतर गया, उतर तो गया लेकिन चढ़ कैसे सकता। फिर धीरे धीरे एक एक सरिया बाबा चढ़ता था सीढ़ी पर पैर रख के, और जेपी भाई बाबा का पैर उठा उठा के पीछे से रखते थे। ऊपर बाबा आ गया इतनी बड़ी एज में, भविष्य का नशा था कि मैं मिचुनू बनूंगा वो संस्कार से। फिर रात को जब बहुत तकलीफ हुई तो उस समय कोई हॉस्पिटल तो नहीं थे नज़दीक में, ना कोई डॉक्टर था। संतरी दादी को भेजा, जाओ बाबा के पास, ऑलमाइटी के पास, और जा करके बोलो कि बाबा को बहुत दर्द हो रहा है। तो ऑलमाइटी बाबा ने कहा कि उनको बोलो ये भविष्य के नटखट पने वाला संस्कार अभी नहीं धारण करे, बाकी और गुण धारण करना है, ये नहीं धारण करना है नटखट पने का। बाकी मेरा हुसैन का घोड़ा है, मैं मालिश करके तो ठीक कर दूंगा। तो कैसे बाबा ये भी करते। फिर जब उस गौशाला में गोबर फेंकने की बात आई तो शिव भाई से बोला कि गोबर क्या करते हो। उसने कहा हम इसको फेंक देते हैं, भीड़ लोग ले जाते हैं। बाबा बोले नहीं बच्चे, इस गोबर को रखो, इसका लड्डू बनेगा। तो शिव बोलता बाबा कैसे लड्डू बनेगा। कहा मैं बनाऊंगा, मैं आऊंगा, तुमको सिखाऊंगा। तो बाबा गोबर का लड्डू बना बना के उसको दे रहे थे और वो धूप में रख रहा था। इतने में कोई VIP आया, गेट पर पूछा कि मुझे बाबा के दर्शन करने हैं। पहरे वाले भाई ने बहुत सरलता से कह दिया बाबा गौशाला में है, आप जाइए। तो वहाँ देखता कि वो बाबा तो श्री कृष्ण है और उसको कृष्ण दिखाई दिया, साकार बाबा नहीं दिखाई दिया, और वो ग्वाल बालों के साथ बॉल खेल रहे हैं, तो उनके चरणों में गिर गया। तब बाबा ने कहा बच्चे कर्म योग है, योगी बन करके कर्म करेंगे, कोई कर्म छोटा नहीं होता है, श्रेष्ठ होता है, हर कर्म श्रेष्ठ होता है। जैसी स्थिति होगी वैसी व्रति मन सब बन जाएगा। ऐसे मेरे को पता है कि एक बार बाबा मसाला कूट रहे थे और कुंज दादी उस समय किसी को समझा रही थी। पांडव भवन के आगे एक छोटा टेंट लगा था, उसी में विजिटर बैठते थे। उसने भी बोला मुझे बाबा के दर्शन करने हैं। बाबा कहते बच्ची यहीं भेज दो। कहे बाबा वो इतना बड़ा आदमी है, VIP है, वो क्या देखेगा कि इनका बाबा जिसका दर्शन करते वो मसाला कूट रहा है। बाबा ने कहा नहीं बच्ची मैं यहीं मिलूँगा। और जब वो गया तो उसको भी वही साक्षात्कार हुआ। तो इसलिए बाबा ने कर्म करते हुए कर्मयोगी बन के करेंगे तो हमेशा अपना जो है साक्षात्कार करा सकते हैं। इस प्रकार बाप दादा के साथ का बहुत अनुभव है कि बाबा निरंकारी भी थे, निरहंकारी भी थे, निर्विकारी भी थे। इतनी गलतियां होने के बाद कभी किसके ऊपर गुस्सा नहीं। तो इसी तरह जीवन का तो मुझे बाबा के साथ का बहुत अनुभव है, और मैं कहाँ तक सुनाऊँ, कहाँ तक ख़त्म करूँ, समय की भी अपनी सीमा है। तो ये मेरे जीवन का साकार के साथ का अनुभव है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और इस वरदानी मास में बाबा की यादें दोबारा फिर उसी मानस पर रट पर आती हैं और वो मुझे और ही पक्का मजबूत करती जाती हैं। तो आशा है कि सभी भाई बहन भी अव्यक्ति मास का, वरदानी मास का, बाबा का वरदान लेते, आगे बढ़ते, बाबा के महावाक्यों पर चलते हुए कि बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरअहंकारी बनो। कोई अहंकार नहीं था बाबा को। तो इसी प्रकार से बाबा ने हमको पाला, सिखाया, और बाबा के हर बात से मेरे लाइफ में परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन हमारा जो है पूरे जीवन के लिए हो गया। ओम शांति।